हेलो फ्रेंड्स स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में और फ्रेंड्स आज के इस शॉर्ट वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे अनुसंधान और उनके मुख्यालय ये फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इससे एक नए क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ प्रमुख अनुसंधान और उनके केंद्र यानी कि कहाँ कहाँ पर उनके हेड क्वार्टर्स हैं उन सभी को हमने यहाँ पर लिया है तो वन बाई वन उन सभी को हम कवर करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ध्यान से देखना है और सभी चीज़ों को आसानी से कवर करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो अनुसंधान संस्थान है वो है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान तो इसका जो मुख्यालय है वो है फ्रेंड्स देहरादून में दूसरा है हमारा भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्थान इसका मुख्यालय भी देहरादून में है यदि वन पूछा जाए और वन्य जीव पूछा जाए तो दोनों के जो हेडक्वार्टर हैं दोनों के हेडक्वार्टर्स यानी कि मुख्यालय देहरादून में ही हैं केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान यदि पूछा जाए तो इज्जत नगर में है वहीं पर राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान पूछा जाए तो ये है नागपुर महाराष्ट्र में और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो बीकानेर में है राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये हैदराबाद में है वहीं पर फ्रेंड्स यदि बात करें राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की तो नागपुर में है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो ये है नई दिल्ली में अभी हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स आगे हैं हमारे कुछ और महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर्स यानी कि के अनुसंधान केंद्र और उनके हेडक्वार्टर्स जिसमें यहाँ पर देखेंगे भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है प्रयागराज में केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है दोनों में हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है यदि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान की बात करें तो करनाल हरियाणा में होगा और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो होगा वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो बेंगलोर में है बेंगलुरु में और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र की बात करें तो देहरादून में है तो यहाँ पर प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय ये नई दिल्ली में है सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास का जो मुख्यालय है ये है फ्रेंड्स आपका कोयम्बटूर में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की बात करें तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की बात करें तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है कोलकाता में है अभी हम नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय वनिकी अनुसंधान संस्थान तो राष्ट्रीय वनिकी अनुसंधान संस्थान है झांसी में और केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह जोधपुर में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की बात करें तो नई दिल्ली में है और भारतीय मौसम वेदशाला जो है वो है आपकी पूना महाराष्ट्र में जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान ये है हमारा चंडीगढ़ में और राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान जो है यह है लखनऊ में काफ़ी इम्पोर्टेंट और सेलेक्टिव हमने हेडक्वार्टर्स लिए हैं और फ्रेंड्स इनसे इन अनुसंधान संस्थान और उनके मुख्यालय से अक्सर ही क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये धनबाद झारखंड में और वहीं पर यदि मैं बात करूं भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान की तो ये है आपकी कोलकाता में कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र संस्थान हमने कवर किए हैं जैसा कि आप देख यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे एक न एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है तो इसी तरह की हम शॉर्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिए सो दैट नेक्स्ट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और फ्रेंड्स आपका आपको एक जानकारी देनी थी कि यदि आपने अभी तक मेरे एप्लीकेशन को यानी कि गोपाल स्टडी पॉइंट्स के एप्लीकेशन को अभी तक तो इंस्टॉल नहीं किया है तो वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फ्रेंड्स उस पर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं आप वहाँ से एप्लीकेशन के थ्रू आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और फ्रेंड्स अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो